घरेलू झगड़ों का इतना साइड इफेक्ट है, इतना साइड इफेक्ट है, इतना साइड इफेक्ट है कि मतलब हम बाहर अमन की क्या बात करें, किसी शहर की, किसी इलाके के, किसी मुल्क की अमन की क्या बात करें। हमारे अपने घरों में जो बदअमनी का माहौल बना हुआ है, हम बाहर मोहब्बत, प्यार, उल्फत, एक दूसरे के लिए कुर्बानियों की क्या बात करें, हमारे घर के अंदर ना मोहब्बत, ना प्यार, ना उल्फत, ना कुर्बानी, और बहुत अजीब व गरीब माहौल है। एक दूसरे को जैसे कि काटने को तुले हुए हैं, एक दूसरे के बाज जान के दुश्मन बने हुए हैं, कोई ना कोई वजह बन जाती है और झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, शोरों पुकार हो जाता है, और इसमें कोई किसी को मार देता है, कोई किसी को जला देता है, तो बच्चों के हाथों बड़ों का कत्ल हो जाता है, बड़ों के हाथों बच्चों का कत्ल हो जाता है। तो घर के जो झगड़े हैं ना, ये इतना आदमी को मुश्तइल कर देते हैं, इतना मतलब कि उसके इमोशंस को उभारते हैं, इतना उसके साथ ये अंदाज़ इख्तियार करते हैं कि बाज़ वक़्त उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि इसका गुस्सा इसकी अक़ल पर गालिब आ जाता है। और जब गुस्सा अक़ल पर गालिब आ जाता है ना, तो उमूमन सोचने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है, फिर इंसान वो काम कर जाता है जो काम उसको नहीं करना चाहिए। शोहर ने बीवी और बेटे को गोली मारकर कुछ गोली मारकर खुदकुशी कर ली, तो घरेलू नाचाकी पर संगदिल बाप ने 8 माह के बच्चे की जान ले ली। अजीब वाकिया है, आप भी गौर कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। घरेलू झगड़ों के बारे में बयान तो फरमा रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि घर में जो है वो अपना मोहब्बत में कैसे कैसे पैदा हो, और किस तरीके से जो है ना इसका कोई हल तो होगा, मोहब्बत से किस तरह रहें इन घरेलू झगड़ों के हवाले से। घरेलू झगड़ों के हवाले से जो मतलब के मोहब्बत से रहने की बात, तो इसमें तो बर्दाश्त पैदा करना पड़ेगा ना, सब्र पैदा करने का, कि सब्र और बर्दाश्त तो हो। नतीजा क्या निकला, मतलब घर का झगड़ा ख़त्म करने के लिए क्या घर ही को ख़त्म कर देंगे? बीवी से झगड़ा है तो बीवी को ख़त्म कर दो, शोर से झगड़ा है तो शोर को ख़त्म कर दो, बच्चे तंग करते तो बच्चों को ख़त्म कर दो, बच्चों को माँ बाप तंग करते तो बच्चे बोले माँ बाप को ख़त्म कर दो। ये कौन सा झगड़ा है, मतलब ये कौन सा हल निकाला हुआ है आप लोगों ने, कि मतलब कि लड़ाई झगड़े करके एक दूसरे को ख़त्म करते ही फिरेंगे, कत्ल कर देंगे, कत्ले ना हक हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम। अच्छा, फिर कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद खुदकुशी करते हैं, ये एक अजीब मामला है कि यदि कत्ले ना हक हराम, खुदकुशी हराम। अब ये दो दो हराम काम करके ये जो मरकर जो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, क्या जवाब देगा?